हेलो गाइज वेलकम बैक टू आर न्यू वीडियो तो इस वीडियो में हम एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं कि हाउ टू ज्वाइन ई स्पोर्ट्स इन न्यू स्टेट ठीक है तो आप न्यू स्टेट में कैसे आके या अगर आप बीजेमई से हो तो न्यू स्टेट में आके कैसे अपना कॉम्पी करियर स्टार्ट कर सकते हो या फिर यहाँ के स्क्रिम्स वगैरह वो कैसे आप खेल सकते हो या कुछ भी और यहाँ के मैं कुछ डिस्काउट चैनल्स के लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप उसको जाके उधर ज्वाइन करके वहाँ की जो लॉबी बनती है वहाँ पर रजिस्टर करके आप वहाँ खेल सकते हो ठीक है तो मैं आपको इस वीडियो में एक चीज़ बताऊंगा जैसे मैं न्यू स्टेट जब भी आया था लगभग जब न्यू स्टेट इसका क्या बोलते हैं उसको बीटा वर्जन जब आया था तो तभी से मैं न्यू स्टेट में ऐसा ग्राइंड कर रहा था पहले मैं बी खेलता था उधर से मैं जैसे ही ये गेम रिलीज़ हुआ था तो मैं इसमें आके इसमें ग्राइंड करने लग गया था क्योंकि मुझे उस टाइम पे पता चल गया था कि न्यू स्टेट में थोड़ा करियर स्कोप ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू जो नए प्लेयर्स हैं बी जी में या जो पुराने बहुत पहले से ग्राइंड कर रहे उनके लिए वहाँ पर कुछ नहीं बचा क्योंकि वो बड़े प्लेयर्स को छोड़ेंगे नहीं और आप ऊपर मुश्किल से शायद ही कोई हज़ार या लाख बंदे में एक या दो ऊपर जाते हैं बाकी सब वहीं रह जाते वो ग्राइंड करते रहते करते रहते करते रहते बट उनका कुछ होता नहीं है ठीक है तो वो चीज़ों को समझना होता है कि अगर आप एक सही चीज में ग्राइंड कर रहे हो अगर आपको एक कॉम्पिटिटिव प्लेयर बनना है तो आपको किस गेम में किस टाइम कैसा क्या रिएक्ट करना चाहिए मतलब अगर आप बीजेमई खेल रहे हो तो वो अच्छी बात है कि आप बी खेल रहे हो बट अगर उस गेम को छोड़ना पड़े तो ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के ही बैठ जाना है यार एक बात बताओ तुम मेरे को ठीक है कि अगर कोई तो कैसे बताओ तुम्हें जैसे एक स्कूल होता है तो वहाँ पे अगर तुम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये पूरे क्लासेस पढ़ लेते हो तो उसको छोड़ के तुमको दूसरी जगह जानी पड़ती है अगर वहाँ कुछ नहीं हुआ तो या फिर कोई कंपनी है जहाँ तुम जॉब करते हो अगर वहाँ तुम्हें स्कोप नहीं दिख रहा है तो तुम दूसरी कंपनी में ट्राई करोगे वैसे ही इधर है कि अगर बी में तुम्हारा अगर कुछ नहीं हो रहा या कुछ नहीं होगा स्कोप नहीं लग रहा है अगर जीरो चांस है भाई तुम क्या ही करोगे वहाँ रह के तुम यार दूसरे गेम्स में ट्राई कर सकते हो जैसे कि अभी न्यू स्टेट है वैसे और भी अदर स्केम्स हैं उसमें भी तुम ट्राई करो या फिर अगर न्यू स्टेट अगर तुम्हें सिमिलर गेम चाहिए था क्योंकि मेरे को सिमिलर गेम चाहिए था इसलिए मैं न्यू स्टेट आया और मेरी जो टीम थी उसके साथ मैं बहुत पहले से खेल रहा था उधर पे तो फिर मैं उनके साथ ही इधर पे शिफ्ट हो गया सारे का मन था कि इधर शिफ्ट होते हैं तो सारे हो गए वो चीज़ों को समझना होता है बहुत बहुत सारे बंदे डी करते कि भाई तुम्हारा इतना टाइम से कैसे चल रहा है बाकी सब टीमों में झगड़ा हो जाता है वो भाई समझने वाली चीज़ होती है तुम झगड़ा करके करोगे ही क्या भाई बच्चे तो हो नहीं यहाँ पे मतलब छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा हो जाता है तो सिंपल सी चीज़ें मैं इस पर ज़्यादा नहीं घुसूँगा तो यहाँ पे जो टॉपिक था उस पर ही रहते हैं तो हाउ टू जॉइन ई स्पोर्ट्स था तो मैं आपको ऐसा इसमें तो ऐसा शुरुआत से ही आके आपको टीवन की लॉबी नहीं मिल जाएगी या फिर जो ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट्स होते उस पर आप रजिस्टर करके खेल सकते हो लेकिन जो इनवाइटेड होते हैं बट उसमें मुश्किल आएगी क्योंकि आपको शुरुआत से ही इनविटेशन नहीं मिलेगा क्योंकि भाई कुछ भी है ये गेम एक साल आगे निकल चुका है जो भी अभी नए प्लेयर्स है कुछ भी है। तो आपको अभी के जो प्लेयर्स है मतलब जो पहले से खेल रहे हैं उनसे डबल ग्राइंड करना पड़ेगा इस गेम में तभी होगा मतलब आप एक चीज़ सोच के देखो अगर वो दिन में पाँच घंटे खेलते तो आपको उनसे थोड़ा ज़्यादा खेलना पड़ेगा थोड़ा नहीं थोड़ा और ज़्यादा खेलना पड़ेगा मतलब अगर वो पाँच घंटे खेलते तो आपको छः घंटे खेलना पड़ेगा अगर वो आठ खेलते तो आपको नौ घंटे खेलना पड़ेगा इतना मेहनत आप करोगे तो आपका श्योर हो जाएगा देखो आप जब ग्राइंड करोगे तो आपको किसी टीम ने देखा या किसी कोच ने देखा ठीक है कि आप बहुत अच्छा खेल रहे हो या कुछ भी तो ऐसी बहुत सारी टीमें होती है जहाँ पे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं या कुछ भी होता है तो वहाँ पे आप दिखोगे उनको फिर या तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बहुत है अभी जिन्होंने न्यू स्टेट में टीम नहीं उठाई है तो वो इन फ्यूचर ज़रूर से ही उठाएंगे टीमें न्यू स्टेट में तो आप उसके लिए ट्राई कर सकते हो अगर आप पे एक बढ़िया टीम है तो क्योंकि भाई कोई भी है वो पहले प्लेयर्स टीम पूरी ही देखेगी फिर ही किसी टीम को ऐसा अपने अंडर वो करेगी साइन करेगी ठीक है तो उस चीज़ों के लिए तुम्हें ग्राइंड करना पड़ेगा तुम्हारा जितना भी एक्सपीरियंस है बी में बी जे में सब कुछ सेम है भाई गेम के मैकेनिक्स थोड़े अलग है यहाँ मैप्स वगैरह थोड़े थोड़े डिफरेंट है मतलब कुछ मैप्स तो सेम ही है मतलब एक एक मैप सेम है बाकी आपको भाई खेलते खेलते आइडिया लग जाएगा मैप नॉलेज क्या है भाई तुम्हें मुश्किल से मुश्किल पंद्रह दिन बीस दिन चाहिए ठीक है वो धीरे धीरे खेलते खेलते अपने आप ही आ जाएगा बस तुम्हें ग्राइंड करना है और तुमको ज़्यादा से ज़्यादा क्या चाहिए एक प्रैक्टिसिंग लॉबी चाहिए जहाँ पे सब प्रैक्टिस करने के लिए खेल रहे हो या फिर तुम्हें लॉबी चाहिए बस ठीक है या तो वो टी थ्री हो या तो वो टी टू हो क्योंकि टी वन मिलने से रही अभी इस टाइम पे टी वन मिलना थोड़ा मुश्किल है मिल सकती है बट तुम्हें कुछ अचीवमेंट चाहिए और और बाकी सब चीज़ें तुम्हें ऐसा डिस्काउंट सर्वर में उनसे पूछ के ही पता चल जाएगा कि वो तुम्हें क्या कौन सी हॉबी ये करेंगे क्योंकि तुम्हें रजिस्टर करना पड़ेगा रोज़ के रोज़ और तुम उधर जाके खेल सकते हो तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उन चीज़ों का मतलब डिस्काउट सर्वर्स का या फिर जो भी होएगा मैं वहाँ लिंक दे दूँगा आप वहाँ के जाके उधर के जो एडमिन्स होस्काउट सर्वर के वहाँ पे बात कर सकते हो कि भाई मुझे ये ये मेरी टीम है ये मेरे चार प्लेयर्स है या पांच प्लेयर्स है इनको कैसे रजिस्टर करूं या कैसे आपको डिस्कॉर्ड चलाना आता ही होगा और नहीं आता तो उधर पे आप पूछ सकते हो थोड़ा बहुत वहाँ हेल्प चैनल्स होते वहाँ पे जाके पूछ लो यार कि मेरे को ये कैसे करना होता है ठीक है तो वो बता देंगे रजिस्टर करने के कर, देखो एक स्क्रिम रजिस्ट्रेशन करके एक चैनल होता है उधर पर जाके बस तुम्हें टैक्स के साथ अपने टीम को पोस्ट करना होता है तो वो कर दो तुम्हारा टीम रजिस्टर हो जाएगा स्लॉट आ जाएगी टाइमिंग बता दिया जाएगा तुम उस टाइम पे आके खेल लो और ओपन फॉर ऑल टूर्नामेंट लगभग सारे ही होते हैं वहाँ पे सब अंडरडॉग्स को चांस मिलता है कि आप आओ परफॉर्म करो और फाइनल्स में जाओ और प्राइज़ मनी उठाओ तो वही होता है भाई सब जगह तो यही करो और अभी बहुत सारे टूर्नामेंट्स आने वाले हैं न्यू स्टेट में तो मैं तो करूँगा दबा के ग्राइंड करो मैं तो कहूँगा कि दबा के ग्राइंड करो ज़रूर से भाई तुम्हारी जो मेहनत है ना वो रंग लाएगी तो मैं हमेशा से ही मतलब आ जाओ यार हमारे साथ ही आ जाओ ऐसा मैं सपोर्ट हूँ सबको कि भाई तुम ग्राइंड करो तुम्हारा हो जाएगा तो मैं अभी भी डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में और इस वीडियो को अगर तुम्हें पसंद आए भाई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना ठीक है चैनल को और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में